जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, 20-25 एमपी उसके साथ में है, जस्टिन ट्रूडो के साथ में कनाडा की सरकार वो चला रहा है जस्टिन ट्रूडो। एक माफिया दूसरे माफिया को मार रहा, हमारा क्या लेना देना? मारने वाले कनाडा के, मरने वाले कनाडा के नागरिक, मारने वाले कनाडा के नागरिक, हमारे देश का कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रखा है कि भारत ने यह हिंसा करवाया है, जबकि भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है। अब समय बताएगा कि सच्चाई क्या है। आप देख रहे हैं वार्ता 24। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर हम आज गाजियाबाद की जनता का रिएक्शन जानेंगे। इसी बीच कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं वार्ता 24 न्यूज़। सीधा रुक करेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम TN पाठक है। आपका क्या नाम है? पंकज गुप्ता। पंकज जी, ये बताएं कनाडा के अंदर जो चल रहा है, आरोप जो लगाए हैं भारत पर, क्या है पूरा मामला? आरोप कुछ नहीं, वो तो वहाँ के किसी लोकल, उन्होंने पैसे का मामला है, माफिया है सब ये लोग, जो भी खालिस्तानी गैंग है वहाँ पर कनाडा में, ये सरदारों के सिक्कों के अलगाववाद, यहाँ पर अलगाववाद है लेकिन वहाँ पर आपस में पैसों का लेन देन की वजह से एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, 20-25 एमपी उसके साथ में है, जस्टिन ट्रूडो के साथ में कनाडा की सरकार वो चला रहा है जस्टिन ट्रूडो, समझ ना। माफिया ने माफिया को मार दिया है, समझ ना, उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगा दिया, भारत सरकार पे लगा दिया, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भाई एक माफिया दूसरे माफिया को मार रहा, हमारा क्या लेना देना? यदि वो इतने ही बड़े देशभक्त होते तो भारत छोड़ के कनाडा की जगह क्यों बसते? पहली बात तो फिर वो आपस में लेन देन का मामला है उनका, या क्या मामला है, वो इन्वेस्टिगेशन कनाडा सरकार करे, हमारी सरकार से क्या लेना देना उसका? ये हमारी सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की साजिश चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, जबकि हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये इंटरनेशनल माफिया हैं, और मैं जिन्होंने मारा वो जाने, मारने वाले कनाडा के, मरने वाले कनाडा के नागरिक, मारने वाले कनाडा के नागरिक, हमारे देश का कोई लेना देना नहीं, हमारे देश के तो नागरिक ही नहीं है वो। चलिए और जान लेते हैं सर, संक्षेप में बताएं क्या है पूरा मामला? जस्ट कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सब दिन से, बहुत दिनों से, उनके पिताजी भी समथिंग ट्रूडो थे जो कि भारत विरोधी हैं, उन्होंने खालिस्तान को समर्थन दिया था। अभी क्या है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है, वहाँ पर 24 सांसद हैं जो खालिस्तानी हैं और समर्थक हैं इनके, जस्टिन ट्रूडो के, उनकी मजबूरी है कि उन वह गलत करे सही करे उनका साथ देना है, इसलिए मजबूरी में जस्टिन ट्रूडो उनको साथ दे, जो चाहते हैं खालिस्तानी लोग वो करवा रहे हैं। खालिस्तानियों का समर्थक ISI से है, ISI वाले और खालिस्तान मिल करके भारत को बदनाम कर रहा है, भारत की बढ़ती साख को दे करके भारत विरोधी तत्व भारत को बदनाम करने के, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रखा है कि भारत ने यह हिंसा करवाया है, जबकि भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है। अब समय बताएगा कि सच्चाई क्या है। तो क्या लगता है आपको, जो इस तरह कनाडा जो आरोप लगा रहा है, और किसी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये देना चाहते हैं कि भारत सब दिन से अहिंसा का पुजारी रहा है, भारत हिंसा में विश्वास नहीं करता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में है, वन नेशन वन अर्थ वह इस सिद्धांत में चलता है, और भारत को कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत को बदनाम करने के लिए जस्टिन ट्रूडो अपनी गद्दी बचाने के लिए, खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ISI के साजिश में पड़ करके यह भारत को बदनाम करने के लिए रचा गया है। G20 के अंदर कई देशों के प्रधानमंत्री भी आए, अध्यक्ष भी आए, उनको क्या संदेश देंगे आप कि आप हमारे देश में आए, किस तरह का महसूस हुआ आपको, क्या कहेंगे? भारत ने जो स्वागत किया है, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत देवता के समान किया जाता, हमने स्वागत किया, और जो विगत G20 में नहीं हो सका, जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास नहीं करा सका, उस समय दो ध्रुवों को, एक तरफ रूस और चीन, दूसरी तरफ अमेरिका, सबों को ले करके 200 देश को एडजस्टमेंट करके इन्होंने समझौता पास कराया, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, और नरेंद्र मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में बड़ी ख्याति मिली है, भारत को इस पर गर्व है। गाजियाबाद से रवि चौहान, वार्ता 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं वार्ता 24।